हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हमारा आज का टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश की झीलें। इस वाले टॉपिक से एचपी टैट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। एचपी में अलग अलग स्ट्रीम के लिए टैट होता है, तो उन सभी के जीके पार्ट में इस वाले टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आपने अपने आने वाले टैट के लिए ज़रूर तैयार करना है। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि एचपी के जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो जब आप इसे एक बार तैयार करोगे तो ऐसा नहीं है कि टैट के लिए किया तो सिर्फ टैट के लिए होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका और जगह भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो जब आपने इस टॉपिक को तैयार करना ही है तो अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि ये सिर्फ आपको 5-6 महीने याद ना रहे, बल्कि जब तक आपकी तैयारी चलती है या फिर आप जॉब पे लग भी जाते हो तो उसके बाद भी जो है आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होती है। तो ये आपको लंबे टाइम तक आपके माइंड में ये झीलें रहेंगी। वैसे तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे हिमाचल प्रदेश के, वहाँ की लोकल तो आपको याद होती ही होती है उस डिस्ट्रिक्ट की, परंतु आपको अन्य डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी होता है जब आप पेपर देते हो। और उसके बाद जब आप जॉब लग जाओगे, तब आप तैयारी नहीं करोगे, तब भी ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और तब भी नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और दूसरी बात, इस वीडियो के अंत में मैं आपको पुराने पेपरों में जो एचपी में अलग अलग स्ट्रीम के लिए टैट होता है वहाँ के पुराने पेपरों के जीके पार्ट में आए हुए इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन भी जरूर दिखाऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। जब भी आप झीलने वाला टॉपिक याद करने लगो, तो मैंने तो एक साइड को झीलें लिखी हुई हैं और दूसरी साइड को इसके मेन मेन जो है वो पॉइंट्स लिख दिए हैं। पर आपने ऐसा नहीं करना है। जो फ्रेशर बच्चे होंगे, जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर ही रहे होंगे, तो उन्होंने ऐसा नहीं करना है कि एक झील करनी उसके बाद इसके मेन पॉइंट पढ़ लेना साथ में। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जैसे चंबा डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे पहले जो भी इसकी झीलें हैं सबसे पहले आपने वही याद करनी है। मैं तो वीडियो के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं तो सारी आपको आज ही बता दूंगी, इसी वीडियो में बता दूंगी, पर आपने नहीं करना है ऐसा। आपने सबसे पहले जैसे चंबा की बात है, तो चंबा की सारी सिर्फ पहले दिन झीलें ही याद करनी है। वैसे ही कांगड़ा की, वैसे ही आगे आगे आपने बढ़ते जाना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की कर लेना। जब आपको इतना आइडिया हो जाए कि कौन सी झील जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद फिर आपने इनके मेन मेन पॉइंट जो है वो पढ़ना स्टार्ट करने हैं। क्योंकि अगर आप सोचो कि एक साथ हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप कर लोगे, हो जाएगा एक साथ, पर रहेगा आपको 3-4 दिन के बाद। और अगर उसके बाद फिर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो साथ साथ में ही जो है वो आपके माइंड से रिमूव हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आपने ये वीडियो 2 पार्ट्स में देख लेनी। फर्स्ट में सिर्फ आपने झीलें ही याद करनी है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी झील है। जब वो हो जाएगी उसके बाद मेन मेन पॉइंट इसके आपने पढ़ने हैं। बाकी अगर कोई साथ में कर सकता है तो उसकी मर्जी है। हाँ, जिन्होंने पहले से ये टॉपिक पढ़ा होगा उनके लिए कोई नई बात नहीं है, परंतु जो फ्रेशर होंगे उनको फिर ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, तभी आपको याद रहेगी। तो सबसे पहले चंबा की सिर्फ हम झीलें ही देखेंगे। तो चंबा में है गडासरू झील, लामा झील, जिस पे मैंने IMP लिखा हुआ है उसको ज़रूर आपने याद रखना है, क्योंकि ये वाली पहले पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछी गई है, तो मैंने इसके ऊपर जो है इम्पोर्टेंट लिख दिया है, तो उसको आपने जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मणिमहेश झील की, ये है चंबा में। चमेरा झील मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछी जाने वाली झील है ये, चमेरा, ये भी है चंबा में। महाकाली झील, ये भी है चंबा में। चंद्रकूप ताल झील, ये है चंबा में। खजियार झील, ये भी है चंबा में। तो सबसे पहले हमने सिर्फ चंबा की झीलें ही पढ़ी। जब आपको ये याद हो जाएंगी उसके बाद फिर देखने हैं आपने इनके मेन मेन पॉइंट। तो सबसे पहले अगर बात करूँ गडासरू झील की, तो इस झील के किनारे जो है वो माँ काली का मंदिर है, बस इसके बारे में इतना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं लामा झील की। यहाँ से पेपरों में सीधा क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि 7 झीलों का समूह है, तो वो रहेगी लामा झील। ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, चाहे आप एचपी टैट की बात करो, अपने कमीशन की बात करो, या फिर एचपी के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी बात करो। नेक्स्ट करते हैं मणिमहेश की बात। तो मणिमहेश झील जो है वो भी है चंबा में, और
अगस्त और सितंबर माह में मणिमहेश यात्रा का आयोजन जो है यहाँ पे होता है। तो ये आपने जरूर याद रखना है कि प्रतिवर्ष अगस्त और सितंबर माह में यहाँ पर वार्षिक मणिमहेश यात्रा का आयोजन जो है वो किया जाता है, और यह झील जो है वो कैलाश चोटी की तलहटी में स्थित है। कई बार ये वाला डेट जो है यहाँ से पूछ ली जाती है, ये वाले मंथ्स। नेक्स्ट बात करते हैं चमेरा झील की। ये पेपरों में कई बार पूछी जाती है कि चमेरा झील जो है वो कहाँ पे है, तो ये है चंबा में। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की झील है, तो ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब जो हुआ जिसका निर्माण जो है वो मनुष्य द्वारा किया जाता है, तो ये मनुष्य द्वारा बनाई गई झीलें हैं, झील है चमेरा झील। तो कृत्रिम बोलो या फिर मानव निर्मित झील बोलो, दोनों एक ही बात है। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि यह एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों एक ही बात है। तो इसका निर्माण जो है रावी नदी पर चमेरा बांध के कारण हुआ है। पहले ये झील नहीं थी, जब रावी नदी पे जो चमेरा बांध बनाया गया है उसी के बाद जो है चमेरा झील का निर्माण हुआ है, तभी बोला गया है कि यह एक कृत्रिम झील है, मतलब मानव के द्वारा बनाई गई है। अब किसी को आइडिया ना हो, बच्चे शुरू शुरू में कई ऐसे होते हैं जो फ्रेशर तैयारी कर रहे होते हैं, अभी स्टार्ट की होती हैं, और उन्होंने कृत्रिम तो पढ़ा होता है पर मानव निर्मित नहीं पढ़ा होता है, फिर वहाँ पे जाकर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेपर में कि हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं है। तभी मैं बता रही हूँ कि कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं महाकाली की, तो इसके बारे में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। नेक्स्ट रहेगी झील चंद्रकूप ताल झील। चंद्रकूप ताल झील जो है ना, ये झील वर्ष भर जो है वो बर्फ से ढकी रहती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपरों में बन जाता है कि ऐसी कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश की जो वर्ष भर जो है वो बर्फ से ही ढकी रहती है, तो वो है सिर्फ चंद्रकूप ताल झील। और दूसरी बात इसके बारे में ये है कि गर्मियों में जो है इस झील में तैरते हुए टापू देखे जाते हैं। तैरते हुए टापू तो इस झील में होते हैं परंतु वो सिर्फ गर्मियों में ही रहते हैं, तो ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट बात करते हैं खजियार की, तो ये झील है सिर्फ चंबा में। इतना ही इसके बारे में है। तो मेन जो आपने चंबा से याद करनी है, वैसे तो सारा ही याद करने के लिए ही होता है क्योंकि आजकल जो है वो एग्ज़ाम्स का लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट ही होता जा रहा है, और टैट में भी जो टैट पिछली बार आया है उसके बाद इस बार आएगा तो उसका भी जो है लेवल पिछले से हार्ड ही इसके लिए रहेगा, ऐसा होता ही आ रहा है। तो इससे अच्छा है कि वैसे तो आपने इतना तो ध्यान रख लेना कि कौन सी झील कहाँ पे है, और दूसरी बात मेन मेन पॉइंट अगर याद रहें तो वो जरूर रखने हैं, परंतु जो मेन मेन झीलें हैं उनको तो याद रखने ही रखने हैं। तो चंबा से मैक्सिमम टाइम जो पेपरों में पूछी जाती है वो एक होगी लामा और दूसरी होगी चमेरा, या फिर मणिमहेश यात्रा के बारे में पूछ लिया जाता है कि उसका आयोजन कब होता है, तो अगस्त सितंबर माह में होता है और सात झीलों का समूह वाला ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इतना आपने जरूर यहाँ से याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कांगड़ा की झीलों की। तो कांगड़ा में झीलें रहेंगी पोंग झील। अब मैं झीलों झील इसके साथ में किसी के साथ नहीं लिखा है क्योंकि मैंने सीधा ही लिख दिया है ऊपर झीलें, तो समझ लेना कि झीलों की ही बात हो रही है, तभी मैंने पोंग अकेला ही लिखा है। पोंग झील हो गया, डल झील हो गया, और तीसरा करेरी झील। ये झीलें जो हैं ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो पहले आपने झीलें ही याद करनी है, जब याद हो जाएंगी उसके बाद फिर इनके मेन पॉइंट आपने देखना है। सबसे पहले बात करते हैं पोंग झील की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील रहेंगी। इसी झील को जो है वो महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पोंग झील का दूसरा नाम क्या है, या फिर महाराणा प्रताप सागर का दूसरा नाम क्या है, या फिर ऐसी कौन सी झील है जिसे कि महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि इस झील का निर्माण जो है वो ब्यास नदी पर पोंग बांध के निर्माण से हुआ है। तो नदी भी जरूर याद रखें कि किसके ऊपर, ब्यास नदी पर जो पोंग बांध बना है ना उसी के बाद फिर इसका निर्माण हुआ था। पोंग बांध का निर्माण 1960 में हुआ है। इस झील की लंबाई जो है वो 42 किलोमीटर है, ठीक है। यह एक कृत्रिम झील या फिर मानव निर्मित झील है। वही बात आ गई कि यहाँ पे जब बांध बना है ना उसी के बाद फिर इसका निर्माण हुआ था, तब ये कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित झील है। 1983 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। उसके बाद जो है 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर की तरभूमि और 2000
टू में जो है इसे जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया है। तो थोड़ा हाई लेवल का अगर एग्ज़ाम आप दोगे तब आपको ये पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में जो भी मेन मेन पॉइंट मैंने आपको बताए वो सारे आपने ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट झील की बात करते हैं तो वो रहेगी डल झील। डल झील जो है ये है कांगड़ा में, और डल झील को ही जो है वो भगसुनाथ झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के किनारे स्थित मंदिर जो है वो भगवान ध्रुमेश्वर का है। मेन यही है इसका कि डल झील का जो दूसरा नाम है वो है भगसुनाथ झील, और तीसरा रहेगा करेरी झील। तो सिर्फ इसके बारे में इतना है कि इस झील का पानी जो है वो लूनी नदी में गिरता है। परंतु इससे पहले जो क्वेश्चन बना है वो इतना ही बना है, पौंग, डल और करेरी की ये झीलें कहाँ हैं, या फिर एक्स्ट्रा अगर इनसे पॉइंट से क्वेश्चन बना होगा तो इन दोनों से बना होगा। इन दोनों के जो जो मेन पॉइंट्स हैं वहीं से क्वेश्चन इससे पहले बना हुआ है। करेरी के बारे में इतना याद रख लेना कि करेरी झील जो है ये कांगड़ा में है। तो एक कृत्रिम झील हमने चंबा में पढ़ी और दूसरी अब हमने यहाँ पे पढ़ ली, ये हो गए दो। लास्ट में मैं आपको फिर इकट्ठा भी बता दूंगी कि कौन सी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की। तो मंडी में है प्राशर झील, रिवार्सल झील, कुमारवाहा या कामरूनाग झील, कुंत बियोंग झील, कालासर झील, सुखसर झील, पंडोह झील, लीलासर झील, खदलासर झील और डवारूसर झील। तो ये सारी की सारी झीलें जो है वो मंडी में हैं। मेन जो इसमें रहेंगी वो रहेगी प्राशर झील, रिवार्सल झील, कुमारवाहा या कामरूनाग झील और पंडोह झील, जहाँ से टैट में या फिर अदर एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बने हुए हैं। मैंने इसलिए सारी झीलें ऐड कर दी हैं क्योंकि डे बाय डे जो है वो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो हाई ही होता जा रहा है, तब भी आपने जरूर एक बार माइंड में रखना, इन सभी पे ध्यान देना। तो ऐसा है कि आपको पूरी झीलों का आइडिया तो होना चाहिए कि कौन सी झील जो है वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राशर झील की। प्राशर झील के बारे में यही है कि झील के किनारे जो है वो प्राशर ऋषि का मंदिर है। अगर आपको ये पॉइंट पता भी नहीं होगा तब भी जो है अगर पेपरों में पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो पूछते नहीं है कि ऐसी कौन सी झील है जिसके किनारे प्राशर ऋषि का मंदिर है, क्योंकि उनको आइडिया होगा कि बच्चे जो है वो इसे फिर प्राशर के नाम से ही पहचान लेंगे, पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं रिवार्सल झील की। रिवार्सल झील से जो है वो टैट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बना हुआ है। हाँ, प्राशर के बारे में जो मेन था वो ये था कि इस झील में एक टापू स्थित है। प्राशर झील में सिर्फ जो है वो एक ही टापू स्थित है, तो ये वाला पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसमें सिर्फ एक ही टापू स्थित है, तो वो है प्राशर झील। अब बात करते हैं रिवार्सल की। तो रिवार्सल जो है यह झील तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। प्राशर में सिर्फ एक ही टापू था, ठीक है, ऊपर वाली में, मेन जो है वो है रिवार्सल। इस झील में जो है वो तैरते हुए टापू देखे जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है रिवार्सल झील। बौद्ध धर्म के लोगों में यह झील पद्माकन के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि रिवार्सल झील को जो है वो बौद्ध धर्म में किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका नाम रहेगा पद्माकन। बौद्ध भिक्षु जो पद्म संभव थे वो भी इसी स्थान से जुड़े थे, और ईयर 1685 में जो है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। क्वेश्चन ऐसे आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी मंडी में कब आए थे, तो वो आए थे 1685 में, तो वो उसी समय जो है वो यहाँ पर भी आए हुए थे, तब ये डेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीनों आपने देख लिया कि बौद्ध धर्म वाले लोग भी इस झील से जुड़े हैं,
सिख धर्म के लोग भी इसी झील से जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्म में भी इस झील को लेकर के जो है वो मान्यता है, क्योंकि ऋषि लोमस भी जो है वो इसी स्थान से जुड़े हुए थे। ऋषि लोमस ने यहाँ पर जो है वो शिव की आराधना की थी, इसी करके जो है ये स्थान जो है वो हिंदुओं बौद्धों और सिखों के लिए जो है वो पूजनीय है। ये स्थान हिंदुओं बौद्ध और सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं जो जो भी इसके बारे में मेन पॉइंट है, और एक ऐसे पॉइंट है जहाँ से मैक्सिमम टाइम जो है वो टैट में पहले क्वेश्चन बन चुके हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर से बोल रही हूँ कि रिवार्सल जी जो है वो तैरते हुए टापों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे 1685 में गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, पद्म संभव जो है वो भी इसी स्थान से जुड़े हुए हैं, और ऋषि लोमस ने जो है यहाँ पे शिव की आराधना की थी। तो इसी करके जो है यह स्थान बौद्धों हिंदुओं एवं सिखों के लिए पूजनीय है। और रिवार्सल में जो है वो पद्म संभव के जन्मदिन वाले दिन जो है वो शेचु मेला लगता है। तो जो मेन था वो मैंने आपको सब कुछ यहाँ से बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना जो है वो रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं कुमारवाहा या कामरूनाग झील। यह झील जो है वो 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3150 मीटर की ऊंचाई पर जो है यह झील स्थित है। यह झील जो है मंडी की चोर तहसील में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि मंडी की चिचोर तहसील में स्थित है, या फिर ऐसा आता है कि कामरूनाग जो है वो मंडी जिले की कौन सी तहसील में स्थित है। तो ये रहेगी झील चिचोट। और इस झील में जो है वो सोने चांदी के सिक्के या फिर आभूषण जो है वो अर्पित किए जाते हैं, इस झील में डाल दिए जाते हैं। अपनी अपनी लोगों की मान्यता होती है, उस हिसाब से जो है वो अपनी इच्छा से यहाँ पे सोने या चांदी के सिक्के या फिर आभूषण जो है इस झील में डालते हैं। उसके बाद कुतब्योंग, कालासर, सुखसर, इनके बारे में कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पंडोह झील की। पंडोह झील जो है एक कृत्रिम झील है, ठीक है। कृत्रिम झील, वही बात आ गई कि यहाँ पे जो है इसका निर्माण भी बांध के निर्माण से ही हुआ है। यह झील का निर्माण जो है वो ब्यास नदी पर पंडोह बांध के निर्माण से भी हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है कि पंडोह बांध जो है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो बना हुआ है ब्यास नदी पे। हिमाचल प्रदेश की ये सबसे छोटी मानव निर्मित झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको मेन चार ही मानव निर्मित झीलें देखने को मिलेगी, जिनमें पंडोह जो है वो सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। सीधा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो रहेगी पंडोह। ये लिखा हुआ है मैंने कि इसका निर्माण जो है ब्यास नदी पर पंडोह बांध के निर्माण से हुआ है, और इस झील की लंबाई जो है वो 14 किलोमीटर है। बाकी झीलें रहेगी लीलासर, खतलासर, डवारूसर। तो इनके सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं, आपने मेन याद करनी है झीलें प्राशर के बारे में, प्राशर और इसके मेन पॉइंट के बारे में, तिवारसर का, कुमारवाया, कामरूनाग झील और पंडोह झील। तो यही रहेंगी चार मेन झीलें जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं सिरमौर की झीलें। सिरमौर की झीलों में रहेगी रेणुका झील और सुकेती झील। मैक्सिमम बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। फिर से बोल रही हूँ, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। ये जो है वो पहले से ही निर्मित है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये प्रकृति के द्वारा बनी हुई ही झील है। तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर याद रखें, तभी मैंने ये हाईलाइट भी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो रहेगी वो रहती है रेणुका। दूसरा इससे मेन क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसकी आकृति सोई हुई स्त्री की तरह है, तो वो रहेगी रेणुका झील। रेणुका झील का संबंध जो है वो ऋषि जमदग्नि, उनकी पत्नी रेणुका व पुत्र भगवान परशुराम से है, ठीक है। और इस झील की लंबाई जो है, कई बार पेपरों में लंबाई भी पूछी जाती है, तो वो है 2.5 किलोमीटर। इस झील के रिगार्डिंग मैंने जो चार पॉइंट लिखे हुए हैं, उन चारों से ही पेपरों में पहले क्वेश्चन बन चुका है।
और दूसरी झील जो है सिरमौर में वो है सुकेती, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा याद रखना नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट झील की तरफ, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें झील रहेगी गोविंद सागर। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की झीलों की अगर बात की जाए तो बिलासपुर में सबसे फेमस जो झील है वो है गोविंद सागर झील। ये भी मैंने हाईलाइट की हुई है क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, रेणुका थी प्राकृतिक झील। इन दोनों में ही आप कंफ्यूज ना होना, ये प्राकृतिक है और दोनों से ही पेपर में क्वेश्चन बनता है। जब भी प्राकृतिक पूछेगा या फिर कृत्रिम पूछेगा, ऑप्शन में दोनों ही हमेशा ये दी जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चे इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगी। तो जरूर याद रखना कि रेणुका जो है वो प्राकृतिक झील है और बिलासपुर की झील जो है वो मानव निर्मित है, मतलब यहाँ पे भाखड़ा बांध बना था, उसी के बाद जो है इस झील का फिर निर्माण हुआ है। दूसरी बात है कि इसकी लंबाई जो है वो 88 किलोमीटर है, क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है और इस झील का निर्माण जो है वो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण से हुआ है। जब भाखड़ा बांध बना था सतलुज नदी पे, उसके बाद ही जो है वो गोविंद सागर झील जो है वो बनी थी। इस झील पे जो है वो 226 मीटर ऊंचा जो है वो भाखड़ा बांध बना था और भाखड़ा बांध बन के तैयार हुआ है 1963 में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको झीलों के बारे में ही पता नहीं लग रहा है, बाकी बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट है जहाँ से इसके बाहर भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और जहाँ से पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैंने बांध साथ में लिखे हुए हैं, दूसरा नदियाँ लिखी हुई हैं कि कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, तो आपके वो वाले टॉपिक भी साथ साथ में ही यहाँ से क्लियर होते जा रहे हैं। तो हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट भी अब हो गया। बिलासपुर और सिरमौर में चाहे झीलें एक दो ही हैं, परंतु ये है बड़ी फेमस और यहाँ से पेपरों में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शिमला की झीलों की। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की झीलों में रहेगी चंदर नाहन, गढ़कुफर, तानुजुबल और कराली। ठीक है, चंदर नाहन से अब हम बात करते हैं, पहले झीलें याद कर लेंगे उसके बाद चलते हैं फिर हम इसके मेन पॉइंट पे। तो चंदर नाहन के बारे में सिर्फ इतना ही मेन है कि एक तो ये चांसल चोटी पर स्थित है और दूसरा पब्बर नदी का उद्गम स्थान है, मतलब यहाँ से पब्बर नदी निकलती है। ये पेपरों में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है कि पब्बर नदी का उद्गम स्थान जो है वो कौन सी झील है, तो वो रहेगी चंदर नाहन। तो इसको जरूर आपने ध्यान में रखना है और यह जो है वो 7 सरोवरों का समूह है। पेपरों में जो पूछी जाती है वो लामा पूछी जाती है, वो 7 झीलों का समूह है और चंदर नाहन जो है लामा जो थी वो थी हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में और वो जो है 7 झीलों का समूह थी। अब जो है 7 सरोवरों का समूह जो है ये है चंदर नाहन में, परंतु अभी तक जो है ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा नहीं गया है कि ऐसी कौन सी झील है वो जो कि 7 सरोवरों का झील है, 7 सरोवरों का समूह है, पर फिर भी इस पॉइंट को आपने याद कर लेना है। इसका ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि ये पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं गढ़कुफर की, तो इससे इतना ही है कि ये शिमला में है, तानुजुबल ये भी शिमला में है और कराली जो है ये छोटा साली पहाड़ी पर स्थित है। ये जो कराली है ना, इसे लेक ऑफ द डर्टी वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, गंदे पानी की झील जो है इसे कहा जाता है, तो इतना भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुल्लू की झीलों की। तो कुल्लू में है बरदोसर झील, मंतलाई झील और आपका भृगु झील हो गया, श्रृंगटू हो गई, सरवारसर हो गई, दशहर हो गई, द्योरी हो गई, हंसा हो गई, नैनसर हो गई, डहनासर हो गई और सरिताल हो गई। मेनली जो याद रखने की यहाँ पे है वो रहेगी, जहाँ से पहले क्वेश्चन बन चुका है वो रहेगी बरदोसर झील, मंतलाई झील और सरवारसर हो गई। बस यहाँ से पहले यही ही पेपरों में पूछी गई हैं, पर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन सारी याद करो ताकि और अगर पूछी जाएं तो आप फिर वहाँ पे छोड़ के ना आओ, क्योंकि सिर्फ किसी डिस्ट्रिक्ट की झीलें ही अगर याद हो करनी हो, उनके मेन पॉइंट याद ना करने हो, तो बहुत आसान काम है।
अगर आप हर झील के बारे में पढ़ना एक्स्ट्रा लगो तब फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, परंतु यहाँ पे आपको बड़े इजी तरीके से बताया गया है। किसी डिस्ट्रिक्ट की पूरी झीलें मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है, मैक्सिमम करती है यहाँ पे ऐड। और दूसरा मेन पॉइंट जिन जिन के बारे में मेन था वही मैंने आपको बताया हुआ है, हर कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आपके लिए ये याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। तो बरदोसर के बारे में ये फेमस है बात है कि यह झील जो है वो डोडरा क्वार एवं सांगला के मध्य स्थित है। सीधा क्वेश्चन जो है वो पेपरों में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि डोडरा क्वार एवं सांगला के मध्य जो है वो स्थित है, वो रहेगी बरदोसर। नेक्स्ट बात करते हैं मंतलाई की, तो यह झील जो है वो पार्वती नदी का उद्गम स्थान है। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो एग्ज़ाम में 4 से 5 बार जो है इस वाले क्वेश्चन को मैंने खुद ही देखा हुआ है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि पार्वती नदी का उद्गम स्थान है, तो वो रहेगी मंतलाई झील जो कि है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और बात करें भृगु की, तो इसके बारे में कुछ नहीं है ऐसा खास, रिंगटू के भी नहीं। सरवारसो जो है या झील जो है वो जलोड़ी दर्रे पर स्थित है। और दशहर की बात की जाए तो ये एक ऐसी झील है जहाँ पर स्नान करने से जो है वो शारीरिक रोगों का जो है वो निवारण होता है, शारीरिक कष्टों का जो है वो निवारण हो जाता है। बाकी वही हैं देवरी, हंसा, नैनासर, डहरासर, सरिताल एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट बात करते हैं किन्नौर की झीलों की, तो इसमें रहेगी नाको झील और सोरंग झील। पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है नाको झील कि नाको झील जो है वो कहाँ पे है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की झीलों की, तो लाहौल स्पीति में रहेंगी चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल, नीलकंठ, युनामसो, तसोमुरारी, धनकर और शिशु। इसमें जो फेमस है पेपरों में जो मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है, यहाँ पे मैं IVMP लिखना शायद भूल गई हूँ, तो पेपरों में मैक्सिमम जो पूछी जाती हैं वो एक तो चंद्रताल हो गई, दूसरी सूरजताल हो गई और तीसरी जो है ये हो गई तसोमुरारी। सबसे पहले आपने झीलें याद करनी है, उसके बाद जो है फिर इनके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रताल झील की, तो चंद्रताल झील जो है ये है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। इस झील को जो है वो चीनी यात्री हेवांग त्सांग ने लोहित्या सरोवर का नाम दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार का बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी झील है जिसे कि लोहित्या सरोवर का नाम दिया गया है, तो वो रहेगी चंद्रताल। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की जो चंद्रताल झील है उसे किसने जो है वो लोहित्या सरोवर का नाम दिया था, तो वो दिया था यात्री हेवांग त्सांग ने। तो ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। दूसरा जो है ये चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है, जो कि इसे पढ़ के ही ऐसे भी पता लग जाएगा, पर फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और तीसरा जो है ये झील जो है वो रामसर साइट है, तो इसके बारे में सबसे मेन जो है ये वाला पॉइंट है। और दूसरा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि चंद्रताल झील जो है वो कहाँ पे है, लेक ऑफ द मून इसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सूरजताल की, यह झील जो है वो बागा नदी का उद्गम स्थान है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है, तो इतना जरूर याद रखें कि सूरजताल जो है ना वो झील बागा नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं दीपकताल की, दीपकताल जो है इस झील को जो है वो सूरजताल झील का छोटा भाई जो है वो कहा जाता है। नीलकंठ झील जो है ये भी लाहौल स्पीति में है, एक तो इसका रंग जो है वो नीला है तब इसका नाम नीलकंठ पड़ा हुआ है, दूसरा जो है इस झील में केवल पुरुषों को जाने की ही आज्ञा है। युनामसो झील ये भी लाहौल स्पीति में है, तसोमुरारी झील। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है जो कि अंतस्थलीय समुद्र के समान है, तो तसोमुरारी यह झील जो है वो अंतस्थलीय समुद्र के समान है। बाकी रह गया धनकर शिशु, ये भी है लाहौल स्पीति में। तो बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कौन सी झील के बारे में मेन है, कौन सी झीलें जो है वो पहले पेपरों में पूछी जा चुकी हैं। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि इन झीलों से जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पहले
टैट में बन चुके हैं। जितने भी अलग अलग टैट हैं वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो 4-5 क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा दूँगी। और अब मैंने आपको एक झील बतानी थी जिसके बारे में कुछ ऐसा था कि मैंने उस टाइम आपको नहीं बताया हुआ था। तो ये झील रहेगी मछियाल झील। वैसे तो बुक्स पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बुक्स पे जो है ये झील जो है वो कांगड़ा में लिखी गई है कि ये झील जो है वो कांगड़ा में है। इस झील के किनारे जो है माँ संतोषी तथा मच्छिंद्र महादेव का मंदिर है। परंतु इस झील का एक ऐसा वो रहता है हमेशा ही पेपरों में जब ये पूछी जाती है, ऑप्शन में कांगड़ा भी होता है और मंडी भी होता है, या तो फिर कांगड़ा ना हो ऑप्शन में तो बंदा सीधा मंडी लगा के आ जाए, या फिर मंडी ना हो तो कांगड़ा लग सकता है। परंतु किसी किसी पेपर में मछियाल झील सीधा पूछा जाता है कि मछियाल झील जो है वो कहाँ पे है, तो किसी किसी पेपर में ऑप्शन में ये दोनों रहते हैं, और फिर फाइनल आंसर की के हिसाब से कभी जो है वो कांगड़ा सही आंसर माना जाता है और कभी जो है वो मंडी सही आंसर माना जाता है। परंतु इसका सही आंसर जो है वो मैक्सिमम टाइम मंडी लिया जाता है, परंतु बुक्स पे ये झील जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो कांगड़ा में शो की गई है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि अगर पेपर की बात की जाए तो इसका सही ऑप्शन जो है वो मंडी लिया जाता है, ये मंडी और कांगड़ा के बॉर्डर जैसे पे स्थित है, और बुक्स पे जो है इसे मैक्सिमम टाइम जो है वो कांगड़ा में दर्शाया जाता है। तो आपने भी इस चीज़ को एक बार खुद भी क्लियर कर लेना है कि ये झील जो है आपके पास भी अलग अलग बुक्स होंगी तो खुद भी इस क्वेश्चन को आपने सर्च करना है कि आखिर ये झील जो है वो कहाँ जैसे आती है। और दूसरा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनर जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है इस झील को मंडी में ही काउंट करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन में जो है फाइनल आंसर की पे जो है इसे मंडी ही बताया गया होता है, और वैसे बुक्स पे टू बुक्स पे इसे कांगड़ा में लिखा गया है। तो इसके बारे में जो था वो मैंने आपको बता दिया, तभी मैंने इसे पीछे ऐड नहीं किया है, और मैं इसे छोड़ा भी इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ से जो है वो पेपर में पहले क्वेश्चन बन चुका है। टैट में तो नहीं बना है, परंतु किसी और एग्ज़ाम में 2 या 3 टाइम मैंने इस क्वेश्चन को देखा हुआ है, और जब इसकी फाइनल आंसर की आती है तो हमेशा बच्चों के द्वारा जिन्होंने कांगड़ा लिखा हुआ होता है वो अपना आंसर फिर मंडी के लिए बोलते हैं, जिन्होंने मंडी लिखा होता है वो कांगड़ा के लिए बोलते हैं, परंतु एग्जामिनर जो है वो इसका आंसर जो है वो मैक्सिमम टाइम ऑप्शन के हिसाब से मंडी ही रखता है। तो इसे आपने भी खुद एक बार चेक कर लेना है, हो सकता है कभी ये क्वेश्चन टैट में ही आ जाए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, एक दूसरे के एग्ज़ाम में एक दूसरे में डालते रहते हैं एग्जामिनर उसे उठा करके, तो फिर क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो आपने भी इसे चेक करना है और कमेंट करके भी जरूर बताना कि ये झील जो है वो कहाँ जैसे है। अब दिखाती हूँ मैं आपको पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन। तो ये रहेंगे पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो मैंने अलग अलग पेपरों से उठाए हुए हैं, पुराने पेपरों से, जैसे कि आर्ट्स हो गया, JBT, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा। तो अलग अलग पेपरों से मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्योंकि इस टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं इतने ज़्यादा तो ऐड कर नहीं सकती, परंतु कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आप देख लो। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो रहेगी गोविंद सागर। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर प्राकृतिक होती तब रेणुका होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो मैंने बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो इसके बारे में विशेषता हो किसी झील के बारे में वही पूछी जाती है एक्स्ट्रा पॉइंट ही, सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी झील जो है वो कहाँ पे है, तो ये है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है कि रिवालसर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म जो है वो हुआ था? तो रिवालसर में मैंने आपको बोला था कि जो पद्म संभव है उनके जन्मदिन के यहाँ पे जो दिन जो है वो यहाँ पे शेचू मेला जो है वो लगता है, और दूसरा मैंने कहा था कि इसी स्थान से जो है वो बौद्ध भिगु पद्म संभव जो है वो जुड़े हुए थे। अगर वो क्वेश्चन अच्छे से सुना होगा तो वहीं से ही इसका आंसर जो है वो निकल रहा था कि पद्म संभव। रिवालसर में किस बौद्ध भिगु का जन्म हुआ था? तो वो हुआ था पद्म संभव का। तो अगर आपने, तभी मैं बोलती हूँ कि जब पढ़ते हो तो ऐसे इस तरह से पढ़ा करो कि एक्स्ट्रा भी अगर वहाँ से क्वेश्चन निकलें तो फिर आप उसका आंसर दे सको। अब खुद आपने देख लेना कि किसको इस क्वेश्चन का आंसर आता था और किसको नहीं आता था। अगर पहले भी किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, आज भी जब आप वीडियो सुन रहे थे तो वहाँ पे भी अगर सुना होगा तो वहीं के बीच से ही निकला हुआ क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने ये भी ऐड किया कि ताकि आपको आइडिया लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामरू नाग झील जो है वो मंडी ज़िले की किस तहसील में है? तो ये रहेगी जजियोट। नेक्स्ट रहेगा एक ये क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये भी कृत्रिम झील ही पूछा गया था, तो
तो वो गोविंद सागर है। और दूसरा, मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि मैं आपको लास्ट में कृत्रिम झीलें बता दूंगी कि कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें जो हैं वो मैंने आपको बताई, गोविंद सागर, पौंग झील, पंडोह झील और चमेरा झील। ये चारों की चारों जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम या फिर मानव निर्मित बोल लो या फिर बनावटी झीलें बोल लो, मतलब जो खुद बनाई गई हैं, तो उनके नाम मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ। सबसे पहले गोविंद सागर झील, ये जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। पौंग झील आएगी आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये कृत्रिम झील है। पंडोह झील ये है मंडी में और यह जो एक कृत्रिम झील है। चमेरा झील ये है चंबा में और यह भी एक कृत्रिम झील है। अगर सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए हिमाचल प्रदेश की तो वो रहती है गोविंद सागर। और अगर सबसे छोटी पूछी जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है, तो सबसे छोटी रहती है पंडोह झील, जो कि है मंडी में, जिसकी लंबाई टोटल ही 14 किलोमीटर है। तो बस यही मेन था इस टॉपिक से जो मैंने सारा कवर करने की कोशिश की है। और दूसरा आपको लास्ट में फिर, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि नहीं इस टॉपिक से टैट में क्वेश्चन बनते हैं, तभी मैंने सिर्फ जो है वो टैट के ही पेपर यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और अलग अलग पेपर से जो है वो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया था। अभी भी इसके अगर मैं सारे पेपरों को ढूंढने लगूँ, सारे यहाँ पे ऐड करने लगूँ, तब भी 5 to 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन यहाँ से और निकल जाने थे, परंतु मैंने अलग अलग स्ट्रीम से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिया है, ताकि आपको भी पता लग सके कि इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूरी, ये टॉपिक ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे ही HPGK की पूरी HPGK आपने करनी हो तो कमेंट कर दें, मैं आपको इसी प्रकार के टॉपिक जो है यहाँ पे कवर करवा दूँगी और PDF भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।